मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आपकी आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? तेलंगाना में 12 से ज्यादा सीटें जीतनी है या नहीं जीतनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग जो स्टेडियम में बैठे हैं वो ही उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे, 12 सीटें से ज्यादा सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी प्रत्याशी बहन अरुणा जी, श्री बंडी संजय कुमार हमारे प्रत्याशी और राष्ट्रीय महासचिव, श्री के लक्ष्मण राज्यसभा के सांसद और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष महोदय, श्री येटेला राजेंद्र कुमार जी, मलकागिरी से हमारे प्रत्याशी श्री धर्मपुरी जी, हमारे प्रत्याशी निजामाबाद से श्री बीवी पाटिल जी, जहीराबाद से प्रत्याशी श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, चेवल्ला से प्रत्याशी श्रीमती माधवी लता जी, हैदराबाद माधवी आ गया हो, माधवी आ गया हो, माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। डॉक्टर बूरा नरसैया गौड़ जी, पी भरत कुमार जी, सुधाकर रेड्डी जी, श्री जितेंद्र रेड्डी जी, श्री गरिकापति मोहन राव जी, श्री प्री रामलू जी, श्री ए वेंकटेश्वर रेड्डी जी, मंच पर बैठे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज समग्र तेलंगाना राष्ट्र से आए हुए मेरे बूथ के मालिक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को नमस्कार। मित्रों, मुझे लगा कि इतनी धूप में किशन जी ने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है, क्या होगा, मगर आज यहां आपकी संख्या, आपका उत्साह और आपका हौसला देखकर ये निश्चित है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई और बहनों, मैं देश भर के हर राज्य से जाकर आया हूं, मैंने यही उत्साह, यही हौसला और यही मोदी की दीवानगी को देखा है। मैं जहां गया मोदी मोदी के नारों से स्वागत होता है। भाई और बहनों, पूरा देश तय कर बैठा है कि अगली बार 400 पार, अगली बार, अगली बार। मगर मैं आज तेलंगाना आया हूं तेलंगाना की जनता को दो हाथ जोड़कर विनंती करने के लिए और तेलंगाना के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने के लिए। 400 पार होने वाला है, उसमें तेलंगाना का 12 से ज्यादा कमल आना चाहिए। 12 से ज्यादा सीटें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की हो और तेलंगाना को 75 साल के बाद इन निजाम की परछाई से दूर करने का काम तेलंगाना की सरकार। आज मैं तेलंगाना की जनता को कहने आया हूं,
यहां चार पार्टियां मैदान में है, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी टीआरएस, तीसरी मजलिस और चौथी भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों मुझे बताओ, टीआरएस कांग्रेस दोनों मजलिस से निजाम के प्रभाव से तेलंगाना को मुक्त कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं। ये दोनों मजलिस के एजेंडा पर चलते हैं। हमें लगा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, शायद अब मजलिस का प्रभाव खत्म होगा। जैसे ही विधानसभा चालू हुई, आउट ऑफ वे जाकर सारे नियमों की धज्जी उड़ाकर मजलिस के नेता को टेम्पररी स्पीकर बनाकर कांग्रेस ने इनका सजदा करने की शुरुआत कर दी। ये दोनों पार्टियां हैदराबाद स्थापना दिन मना सकती है क्या? जोर से बोलो, मना सकती है क्या? सरदार पटेल का सम्मान कर सकती है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोट बैंक की लालच से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट बैंक से नहीं डरते हैं, हम तेलंगाना के कल्याण और तेलंगाना के सम्मान को समर्पित पार्टी है। भाई और बहनों, ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां। कांग्रेस पार्टी, आप देखे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, आगे भगवान जाने कौन गांधी। ये केसीआर के बाद केटीआर, केटीआर केसीआर, केसीआर केटीआर, और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी, सुभान अल्लाह। ये मजलिस भी परिवारवादी पार्टी है। ये तीनों पार्टियों का लक्ष्य राजनीति में अपने बेटे बेटों का कल्याण करना है, बेटों बेटियों का कल्याण करना है। आप मुझे बताइए, जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करते हैं वो तेलंगाना के किसान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के ओबीसी का भला कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के युवा, किसान, महिला और ओबीसी दलित का भला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मित्रों, ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और टीआरएस, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां हैं। मैं आपको बताता हूं, रेवंत रेड्डी मेरी बात का जवाब दे, अगर साहस है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहे कि अमित भाई ने जो कहा वो गलत है। एक कांग्रेस पार्टी ने कोल ब्लॉक का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ का घोटाला किया, 2G का घोटाला किया, शारदा चिटफंड का घोटाला किया, एयरसेल मैक्सेल का घोटाला किया, अंतरिक्ष देवास का घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब में घोटाला किया, पंचकुला में जमीन का घोटाला किया, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला किया, एम्ब्रेयर में डील कर घोटाला किया, एयरक्राफ्ट में घोटाला किया, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला किया, बोफोर्स का घोटाला। मित्रों, ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और दूसरी ओर भ्रष्टाचार रचित समिति बीआरएस, मियापुर जमीन का घोटाला 4000 करोड़, आउटर रिंग रोड घोटाला किया, कालेश्वर परियोजना घोटाला 40000 करोड़ का किया, कविता के नाम पर शराब घोटाला किया, सीएजी ऑडिट का घोटाला। अब मुझे बताओ भाई,
हजारों लाखों करोड़ के घपले घोटाले करने वाली एक कांग्रेस पार्टी और टीआरएस तेलंगाना और देश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? 23 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए, मोदी जी पर हमारे विरोधी भी 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसा होता है इसका एक उदाहरण सेट करने का काम किया है। भाई और बहनों, एक केसीआर की पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी, दोनों वादा खिलाफी की पार्टी है। इन्होंने कहा था कि हम नीलू निगुलू नियामकलू रोजगार धन और जल, ये तीनों के लिए काम करेंगे। तीनों में वादा खिलाफी किया। 1 लाख युवाओं को रोजगार देना था, नहीं दे पाए। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की भर्ती नहीं कर पाए। 40 लाख बच्चों को फ्री शिक्षा का वादा किया था, नहीं कर पाए। 7 लाख घर देने का वादा किया था, नहीं कर पाए। मेरे पास 42 वादा खिलाफी की सूची है, 42। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने भी इस देश के गरीबों को गरीबी मुक्त करने का वादा 4 पीढ़ी पहले इंदिरा गांधी ने किया था, मगर गरीबी तो मुक्त हो ही नहीं, गरीब और गरीब बनता गया। और मैं आज बताता हूं, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हर महीना 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया ऑनलाइन भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला भरने का काम किया है। और साथ में मोदी जी ने हर गारंटी को पूरा किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? हमने वादा किया था मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर रख दिया। और आज कश्मीर जिस लाल चौक में जाते हुए मिलिट्री के बगैर जा नहीं सकते थे, वहां तिरंगा फहर रहा है और वहां जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 500 साल से राम लल्ला अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने राम लल्ला को टेंट में रहने के लिए मजबूर किया, अटकाया, लटकाया, भटकाया, केस चलने नहीं दिया। मोदी जी के समय में केस भी समाप्त हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। भाई और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते तो इतने समय में ये गारंटी पूरी हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? उन्होंने नहीं किया। मित्रों बताओ मुझे, 3 तलाक दूर कर मुस्लिम माताओं बहनों को सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 3 तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने 3 तलाक को कभी नहीं हटाया। वो ओवैसी से डरते हैं, वो वोट बैंक से डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने
तीन तलाक को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से रोज आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी के समय में भी 2 प्रयास हुए, उरी और पुलवामा में, मगर पाकिस्तान को मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, अभी हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे, जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू सिख बौद्ध जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। ये लोग विरोध करते हैं, मगर कल ही मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। करोड़ों हिंदू जैन बौद्ध सिख जो आसपास के देशों से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का काम कल नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। जो अपने महिलाओं के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए भारत की शरण में आए थे, इनको एक कांग्रेस वाले मजलिस टीआरएस विरोध करते थे, नागरिकता नहीं देने देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको नागरिकता देकर उनको सम्मान के साथ जीने का उनका स्वप्न पूरा किया है। और एक गलत फहमियां फैला रहे, इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है, हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में चुनाव शुरू होगा, आपको घर घर जाना है और पूरे तेलंगाना की जनता को बताना है कि 10 साल में मोदी जी ने तेलंगाना के लिए 2,50,000 करोड़ रुपए का ग्रांट भेजा है। कितना भेजा है? और 10 साल जब यूपीए की सरकार थी, इन्होंने 1,16,000 करोड़ भेजा था। और इसके साथ साथ मोदी जी ने रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, हाईवे, नेशनल हाईवे, पेट्रोलियम, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इसके अलग से 5,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजने का काम किया। ये लोग तेलंगाना का विकास नहीं कर सकते, तेलंगाना का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मित्रों, जो इंडिया अलायंस है, ये पूरा गठबंधन, ये घमड़िया गठबंधन केवल और केवल परिवारवादियों का गठबंधन है। मैं फिर से देश की जनता को कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, केसीआर का लक्ष्य है केटीआर को प्रधान मुख्यमंत्री बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य है भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, शरद पवार का लक्ष्य है सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना, ठाकरे जी का लक्ष्य है उद्धव ठाकरे जी का आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। भाई मुझे बताओ, ये बेटे बेटी जमाई दामाद, इसमें आपकी जगह है कहीं पर? है क्या?
भारत के युवा की जगह है, भारत के किसान की जगह है, भारत की माताओं की जगह है, भारत के गरीब की जगह है। ये भारत के युवा, किसान, महिलाएं और गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है। भारत के गरीब, युवा, महिला और किसान के लिए केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी समर्पित है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को समृद्ध करने का काम किया है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर समग्र संसार में कोई वहां नहीं पहुंच पाया था, सबसे पहले भारत ने दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान पहुंचाया और हमारा तिरंगा फहराने का काम किया। G20 की समिट में दिल्ली डिक्लेरेशन से अपना कूटनीतिक परचम समग्र विश्व के सामने लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है। 14 से ज्यादा देशों ने मोदी जी को अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अवार्ड, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, 14 देशों ने नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मोदी जी जहां भी जाते हैं लोग मोदी 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 करते हैं। भाइयों और बहनों, ये मोदी जी का जो स्वागत है ना, ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मोदी जी का ये स्वागत हमारी देश की 130 करोड़ की जनता का स्वागत है। यहां समग्र तेलंगाना राष्ट्र से बूथ अध्यक्ष आए हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं, जब तक विजय जुलूस न निकले किसी को आराम नहीं करना है। हर मतदाता का, हर लाभार्थी का और विशेषकर हर माता बहन का संपर्क कर कमल के निशान पर बटन दबाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए निकल पड़ना है। यहां बैठा हुआ हर कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझकर तेलंगाना की जनता के सामने जाए, विनम्रता से आशीर्वाद मांगे और भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन कराइए। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी ने गारंटी दी है कि 15 अगस्त 2047 को हमारा देश भारत, जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत पूर्ण विकसित होगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। ऐसा भारत बनाने के लिए हम सब ने आगे बढ़ना है। मुझे बताओ, ये जो 1.5-2 महीना है चुनाव का, आप सभी लोग आज से ही कमल के प्रचार में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़ेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, निकल पड़ेंगे क्या? तेलंगाना में 12 का आंकड़ा पार करेंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 12 सीटें जीतने की संकल्प की मुट्ठी बींचिए और विरोधियों के दिल दहल जाए ऐसे प्रचंड वाद से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।